हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुई थी 1930 से 1932 के बीच। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्यों हुई थी ये समझने के लिए हमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट को समझना पड़ेगा। 1917 में ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मोंटेगू ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक स्पीच दी थी जिसे ऑगस्ट डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इस डिक्लेरेशन में इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पर यह क्लियर किया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना चाहती है। हालांकि ऐसा वो कब तक करेंगे इसकी कोई डेडलाइन नहीं दी थी। इसी पॉलिसी को कंटिन्यू करने के लिए मोंटेगू कैम्प्सफोर्ड रिफॉर्म लाए गए थे जिसका ऑफिशियल नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट में काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए थे ताकि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रोविज़न ये भी था कि इस एक्ट के 10 साल के बाद यानी 1929 तक एक कमीशन बनाया जाएगा जो ये रिव्यू करेगा कि मोंटेगू कैम्प्सफोर्ड एक्ट का क्या इम्पैक्ट हुआ और साथ ही साथ नए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को भी रिकमेंड करेगा। तो ये जो कमीशन था ये 1927 में ही बना दिया गया और इस कमीशन के चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, इसीलिए इस कमीशन को साइमन कमीशन भी कहा जाता है। मई 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स रिकमेंड किए गए हैं उन्हें और डिटेल में डिस्कस किया जाए और ये डिसाइड करें कि आने वाले समय में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंडिया में लाए जाएं। इसी बीच मोहम्मद अली जिन्ना ने वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को सजेस्ट किया कि अच्छा रहेगा कि अगर इन कॉन्फ्रेंसेस में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया जाए ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को डिस्कस करने के लिए उनके भी इनपुट्स लिए जा सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मोहम्मद अली जिन्ना की बात को एक्सेप्ट कर लिया और इसके बाद इन डिस्कशंस के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1930 से 1932 के बीच लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की। अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑफिशियली इनॉग्रेट किया था ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ ने और इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। अब देखते हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किस किस ने पार्टिसिपेट किया था। तो 16 डेलीगेट्स थे ब्रिटेन की डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से और 16 ही डेलीगेट्स थे इंडियन प्रिंसली स्टेट से। इसके अलावा 58 डेलीगेट्स रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को। मुस्लिम लीग से मेन लीडर्स यहाँ पर पहुँचे थे मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, मोहम्मद अली, और ये मोहम्मद अली अपने खिलाफत मूवमेंट वाले मोहम्मद अली हैं, याद है ना, वो मोहम्मद अली और उनके भाई शौकत अली। इसके अलावा हिंदू महासभा के लीडर्स भी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इंडियन लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे तेज बहादुर सप्रू और सिख कम्युनिटी के लीडर्स भी थे जैसे सरदार उज्जवल सिंह, और अनटचेबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे बी.आर. अंबेडकर। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम क्यों नहीं आया अभी तक। बेसिकली अनटचेबल्स, सिक्स, इंडियन लिबरल पार्टी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव्स ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था जबकि कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर दिया था। और हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को क्यों नहीं अटेंड किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर दिया था क्योंकि उनकी नेहरू रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने की डिमांड को माना नहीं गया था, जिसके रेस्पॉन्स में कांग्रेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया था। और जाहिर सी बात है जब वो सारी अंग्रेजी लॉज और इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट कर रही थी तो अंग्रेज़ों के साथ बैठकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर चर्चा कैसे कर सकती है। अब बात करते हैं उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किए गए। यहाँ पर सभी पार्टीज़ ने ये एग्री किया था कि इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स का अल्टीमेट गोल डोमिनियन स्टेटस ही होगा। शत मंजूर है? बोलो। शरत मंजूर है। तो इसमें किसी को कोई भी आपत्ति नहीं थी। साथ ही इस बात पर भी सभी लोगों ने एग्री किया कि डोमिनियन स्टेटस के साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनेंस और डिफेंस को छोड़कर बाकी सभी डिपार्टमेंट्स इंडिया को दे देगी। ये बात भी सबको मंजूर थी। इसके अलावा इंडियन लिबरल पार्टी के तेज बहादुर सप्रू ने अपने ऑल इंडिया फेडरेशन का आइडिया प्रेजेंट किया। ऑल इंडिया फेडरेशन का आइडिया ये था कि इंडिया के अंदर सभी राजे, रजवाड़े, स्टेट, प्रोविंसेस सभी अपने अपने आप में एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी होंगे और ये सभी सेल्फ गवर्निंग बॉडीज एक साथ यूनाइटेड होकर रहेंगे और इसी यूनाइटेड बॉडी को ऑल इंडिया फेडरेशन कहेंगे। यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। सभी को ये आइडिया अच्छा लगा
और सभी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। पर प्रिंसली स्टेट्स की ये कंडीशन थी कि उनकी सॉवरेनिटी पर कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा जब अम्बेडकर जी ने अनटचेबल्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की तो इस पर डिसीजन नहीं हो पाया। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वैसे तो बढ़िया चल रही थी, पर समस्या एक ही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पर एक बात खटक रही थी कि यार मेन पार्टी तो इस कॉन्फ्रेंस में है नहीं, ऐसे में ये सब डिस्कशंस और एग्रीमेंट्स की कोई वैल्यू है कि नहीं। पता चला यहाँ पर इन सब लोगों ने मिलकर बहुत सारे एग्रीमेंट्स कर लिए और बाद में कांग्रेस ने इन्हें मानने से मना कर दिया और उसके बाद फिर कोई मूवमेंट शुरू कर देंगे, जनता तो कांग्रेस के पीछे पहले से ही खड़ी रहती है। इसीलिए इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे एग्रीमेंट होने के बावजूद यही माना गया कि ये कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। ये थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स। इस वीडियो की नोट्स booksabha.com वेबसाइट पर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इन नोट्स को पढ़ सकते हैं। booksabha चैनल पर हिस्ट्री की बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए booksabha चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग booksabha।